पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में देश की शान मनु भाकर ने पहला मेडल देश के नाम कर दिया है। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर के गोरिया गांव की रहने वाली हैं और इस वक्त गांव में परिवार में किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहां पर जो पूरा परिवार है, जो मनु भाकर का कुनबा है, वो इस वक्त जुटा हुआ है और टकटकी लगा करके शुरुआत से एक एक पल जो मैच की अपडेट्स थी वो यहाँ पर देखी जा रही थी। और जब जब मनु का चेहरा टीवी स्क्रीन पर आता था तो कई इनके चेहरे पर भी मुस्कान जो है वो आती थी। और जब मनु ने पहला मेडल जीत लिया है तो उसके बाद ये मुस्कान, खुशी के आंसू इनके चेहरों पे साफ झलक रहे हैं। इनके गलों गले में जो मालाएं हैं और इनके हाथों में जो मिठाइयां हैं वो बयां कर रही है कि कितनी ज़्यादा खुशी और कितना ज़्यादा गर्व अपनी बिटिया पर इन्हें है और पूरे देश को है मनु भाकर पर, क्योंकि पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल जो है वो मनु ने भारत की झोली में डाल दिया है। हालांकि मनु जो है वो गोल्ड की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, ब्रॉन्ज मिला है लेकिन मेडल तो मिला है। और पहली भारतीय महिला है मनु भाकर जिनको शूटिंग में जो है वो मेडल मिला है, ओलंपिक मेडल मिला है। सबसे पहले हम दादी से बात करना चाहेंगे कि आखिर कितनी खुशी है, क्या याद आ रहा है दादी, क्या आपके मन में जहन में क्या आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत प्रसन्न हूं मैं। बस इतनी है। आज कुछ मनु के बारे में भी बता दो, क्या खाना पसंद है, जब वो आएगी तो कैसे उसका स्वागत करोगी? उसको स्वागत कर देंगे, चैन घालेंगे सोना की। हाँ। और जो कुछ कहेगी वह खाए लेगी। क्या का पसंद है खाने में मनु को? मनु को पसंद है संतरे, वो संतरे खुआ देंगे। हाँ। हाँ। संतरे बहुत पसंद है। हाँ। और इसके अलावा खाने में कुछ मीठा भी खाना पसंद है? वो बना देंगे। और क्या बना था? कहे का हलवा, कॉन्सेंट्रेशन के लिए वो गीता का पाठ अक्सर जो है वो पढ़ा करती है, तो जब मनु घर पर होती है तब वो क्या करती है? तब भी वो करती है, पाठ वगैरह भी करती है और मतलब बहुत धार्मिक विचारों की है और बहुत अच्छे से रहती है, बड़ों का सम्मान करती है, छोटों से प्यार करती है। जो उम्मीद थी आपको मनु से, क्या उस उम्मीद पर खरा उतर पाई और उसकी कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, मनु पूरा खरा उतरी है हमारे उम्मीदों पर। और अभी आगे गोल्ड भी लेके आएगी, अभी और बचा है उसका गेम। जी हाँ, उसमें गोल्ड लेके आएगी। लेकिन अभी जो ब्रॉन्ज आया है, पहला मेडल मनु ने भारत की झोली में डाला, ये कितना कितनी गर्व की बात है? ये बहुत गर्व की बात है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, मेरी बेटी मनु ब्रॉन्ज लेके आई है देश के लिए, मेडल जीता है उसने, मेडल जीता। ठीक है, चाची भी हैं, चाची आप अपना नाम बताइए और क्या अभी आपके, हम मैं सीधा सवाल पूछूंगा कि अभी आपके जहन में क्या रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? मेरे तो गोल्ड मेडल की उम्मीद ज्यादा थी। हाँ। पर इसमें भी ब्रॉन्ज में भी बहुत खुश हूँ मैं। हाँ। और बस नहीं कहना चाहती। अच्छा, क्या अब मैच के मेडल की उम्मीद है? अगले मैच में वादा रहा। अच्छा, आखिरी बार जब अभी मनु से बात हुई थी तो क्या बात हुई थी, क्या कह रही थी मनु? बस चाची अपना ख्याल रखा करो, मैं खुश हूँ बस इतना ही। आपने क्या दुआ दी? मैंने कही बेटी तू बहुत दूर जा रही है, अपना आराम से मैच करना। अच्छा, जब आती है तो कोई फरमाइशें होती हैं कुछ खाने की, कुछ प्यार की? बाजरे की रोटी और दही और लाल मिर्च की चटनी। अच्छा, ये बड़ी पसंद है, खुश होकर खाती है। खुश होकर के खाती है। कुछ मीठे वगैरह में भी पसंद है? मीठा तो ज्यादा उसको पसंद नहीं है। अच्छा, तो जब आएगी मनु अपने गांव में आएगी, अपने घर में आएगी, तो चाची कैसे स्वागत करेंगी? बस मैं तो खुशी से झूम उठती हूँ, बस इतना ही है मेरे। अच्छा, एक गीता का पाठ धार्मिक जैसा उसने बताया, मेडिटेशन ज्यादा करती है, घर पे आती है तब भी मेडिटेशन ज्यादा करती है। हाँ। और इससे कितनी मदद मिलती है कॉन्सेंट्रेशन? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मदद। दादी, मोदी जी ने भी धन्यवाद कहा है मनु को, खूब शुभकामनाएं कही हैं। धन्यवाद करे उन्हें, आया क्यों ना वो हो रहा है। ठीक है, चाचा जी हैं मनु के, चाचा जी आप शुरुआत से देख रहे हैं मनु की जो ट्रेनिंग थी जिस तरीके की, अगर उस पर आप डालें कि जो जो जहाँ से 16 साल की लड़की ने अपने सफ़र की शुरुआत की थी और आज 22 साल की उम्र में पहला मेडल पेरिस ओलंपिक का डाल दिया भारत की झोली में, कितना गौरवान्वित महसूस? बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और अपने आपकी जो खुशी है उसको शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा। पेरिस ओलंपिक में जो ये मेडल जीता है उसके लिए सारा परिवार और सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश है
और होप करते हैं कि आने वाले समय में जो दो और मेडल जीतेगी तो वो गोल्ड होंगे ना कि ब्रॉन्ज। अब देखिए ना, अभी ब्रॉन्ज आया है तो इसमें भी बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन लगता है, बहुत सालों की मेहनत है, तो क्या उस मेहनत पे खरा उतर पाई आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, और कैसे कॉन्सेंट्रेट करने में खुद को कैसे खुद को कॉन्सेंट्रेट करती है? वो तो हमेशा से ही अच्छा करके आई है, वो तो गोल्डन गर्ल कहलाती है। अनफॉर्चुनेटली अब की बार वो गोल्ड के ऊपर नहीं लगा पाई, और आने वाले दो इवेंट है उसमें गोल्ड के ऊपर ही लगाएगी, पूर्ण विश्वास। गोल्डन गर्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चाहे वो स्पोर्ट्स मैक्सिको में हुआ स्पोर्ट्स इवेंट वर्ल्ड कप हो या फिर उसके बाद वाला जो वर्ल्ड कप हो, उसमें हमेशा जो है मनु ने गोल्ड लेकर के आई है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं रजत पदक से जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर टीज जरूर है, लेकिन उम्मीद है कि अगले जो दो राउंड होंगे उसमें जो मनु है वो गोल्ड पदक जरूर लेके आएगी। ताऊ जी हैं हमारे साथ, ताऊ जी गोद में बिटिया खेली है आज, पूरे देश में गांव का कुल का नाम रोशन कर रही है, क्या लग रहा है बिटिया के बारे में सोच रहे हैं तो क्या जहन में? बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है जी, और बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं तो, फर्स्ट प्रयास में ओलंपिक में ब्रॉन्ज बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, और उसका भविष्य उज्जवल है, आने वाले इवेंट्स में गोल्ड पर निशाना लगाएगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मनु को तो मैंने छोड़ा, जब से इसने जन्म लिया न तब से हमारे पास रही है ये लगभग 10-12 साल, फिर इसके बाद ये दादरी रहने लग गए, क्योंकि पहले इसका दूसरा इवेंट था ताइक्वांडो वगैरह, मैंने कहा बेटा ताइक्वांडो नहीं, आप इसमें अपने जो रेंज है इसमें शूटिंग करो, तो बगैर कोच के जो कोचिंग बच्चे ले रहे थे 6 महीने से उनके बराबर उसने निशाना बिना कोचिंग के लगा दिया, तब कोच साहब ने कहा जी इसका गेम चेंज करो और ये करो, उसमें फिर ये यहाँ से निकलती गई आगे, और जो है इसने मेडलों का शतक लगा रखा है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल दोनों को मिला करके मेडलों का शतक क्रॉस कर गई। और अभी तो कैसे कैसे शूटिंग की तरफ कैसे रुझान बढ़ा, रुचि कैसे बढ़ी शूटिंग की तरफ? रुचि ऐसे बढ़ा जी, हमारा जो है ना परिवार जो है ना निशानेबाजी में अग्रणी है शुरू से ही, मैं भी छोटा था जब कंचा खेलता था यहाँ से वहाँ तक कंचे को ऐसे निशाने पर मारता था, खून में है निशान, तो वो वंशानुगत हेरिडिटी गुण तो आते ही हैं, तो इस वजह इसका रुचि बढ़ गया है बच्चे का। और मनु को मैंने दो शिक्षा दी थी, बेटा एक अपने से बड़ों का सम्मान करो और आत्मविश्वास रखो, जो दूसरे देश हैं जैसे क्रिकेट कोई भी तो वैसे अपना हुआ छोड़ करके जीतने का प्रयास करते हैं, ऐसे कोई न कोई टेक्निक हुआ छोड़ेंगे, आपका जो माइंड है ना उसको कंसंट्रेशन नहीं रहने देंगे, आत्मिक बल आप बनाए रखोगी तो आपको कामयाबी। ठीक है, एक और ताऊ जी हैं, पिछले ओलंपिक की अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक में 12वां स्थान था, लेकिन इस बार पहला मेडल जो है वो मनु की तरफ से भारत की झोली में डाला गया है, ये कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है जी, और मतलब ये कहिए इनविंसिबल एक इवेंट एक ऐसा है कि मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हाँ। इतनी खुशी भी है, और आशा तो थी हमें गोल्ड की, मुझे नहीं पूरे गांव को थी जी आशा कल से ही, और अब आप देख रहे हैं मेरे पास कितने बधाई के वो आ गए हैं, मैसेज भी आए हैं कि सर बहुत अच्छा, मगर यार होता तो तब मज़ा तो तब आता जी गोल्ड जीतती, लेकिन फिर भी बहुत खुशी है कि यंगस्ट जो लेडी है, पहली भारतीय महिला है जो शूटिंग, पहली भारतीय महिला भी है और पहली और यंगस्ट भी है। हाँ जी, तो जब आएगी मनु, जब मनु आएगी तो उसका स्वागत कैसे? उसका स्वागत फूल मालाओं से करेंगे और पूरा गांव करेगा जी, पूरा जिला करेगा। हाँ जी, करे भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके की जो इज्जत और मान बढ़ाया हुआ है, कुछ नौनिहाल जो शूटिंग करते हैं शूटर हैं वो इस वक्त हमारे साथ भी हैं। आप लोग मनु दीदी के साथ शूटिंग करते हो? जब आती है मनु गांव में तो आती है ना आप लोगों की रेंज में? हाँ, आती है। साथ में शूटिंग करती है? हाँ, हाँ। तो आज वही दीदी ओलंपिक में पहला मेडल जीत गई हैं, क्या महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, सीखने को क्या मिल रहा है? हमें भी ऐसी तैयारी करनी चाहिए, ऐसे ही हमको गोल्ड मेडल जीतना चाहिए, 12 घंटे तक तैयारी करनी चाहिए मनु दीदी की तरह ही, हम भी ऐसे तैयारी करेंगे जीत तोड़ करके। जब मनु दीदी आती हैं तो आप लोगों के शूटिंग रेंज में साथ में जब शूटिंग करते हो आप, तो उनको देख करके क्या आप सीखते हो? हम सीखते हैं कि देखो हम भी ऐसे करेंगे, पूछते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है।
बताती हैं सारी चीजें। हाँ, क्या सीखने को मिला मनु दीदी से आज पहला मेडल लेके? कि प्रैक्टिस करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जी तोड़ के मेहनत करनी चाहिए 12-12 घंटे तक, और अगर कुछ ना आए तो कोच या फिर बड़ों से पूछना चाहिए। ये सीखने को मिला आपको, क्या सीखने को मिला? ये चीज सीखने के लिए मिली है, कोई अगर हम शूटिंग करें तो उसके अंदर हमें हमारा 100% देना चाहिए, क्योंकि हम भी एक दिन देश के लिए आगे जाके गोल्ड मेडल लेना चाहेंगे, क्योंकि ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर दीदी का ब्रॉन्ज मेडल आया, ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। मनु जब आती हैं यहाँ पर तो कितने कितने घंटे तक प्रैक्टिस करती है, क्या सीखने को? बहुत ज़्यादा देर प्रैक्टिस करती है। और क्या कोई टेक्निक वगैरह बताती हैं आप? बताती है बहुत ज़्यादा टेक्निक कि ऐसे करो ऐसे करो, और बहुत ज़्यादा उसने प्रैक्टिस की थी जब इसे ओलंपिक में गई है, हमें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए हम ओलंपिक में जाने के लिए। तो उससे क्या सीखने को मिला, गर्व महसूस होता है? यस सर, होता है। क्या सीखते हो मनु से? मनु से कि वो गोली कैसे चलाती है, उस एक एक गोली को देखो कैसे चलाती है। ठीक है, तो देखिए परिवार भी है और यहाँ पर जो नौनिहाल हैं जो शूटिंग के गुर सीख रहे हैं मनु के गांव में, वो भी कहीं ना कहीं गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ पली बड़ी और उनकी मनु दीदी ने आज देश का नाम रोशन किया है और भारत की झोली में पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल जो है वो डाला है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़ झज्जर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.